आप देख रहे हैं F247। सर, आज 9th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के मौके पर F247 की तरफ से हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, जो कि एक कवि हैं, गज़लकार हैं, कम्युनिकेटर हैं और रिटायर्ड डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल फ्रॉम आकाशवाणी। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से यहाँ पर। और सबसे पहला क्वेश्चन में सर मेरा ये है आपसे कि आप एक गज़लकार हैं। अब गज़ल इतना लोग सुनना पसंद नहीं करते, क्लासिकल संगीत होता है, मॉडर्न हिप हॉप वेस्टर्न कल्चर आया है, गज़ल क्या इन सब से अलग करता है, अपने अस्तित्व से कैसे अलग है? नहीं, गज़ल को देखिए, उसको पहचानना तो आप जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, कोई पार्लियामेंट का सेशन देखिए, बिना एक कोई शेर के उनकी बात पूरी होती क्या? हर पार्लियामेंट सेशन में, हर स्पीच में कोई ना कोई एक शेर मिलेगा। तो गज़ल की खासियत ये कि कोई आप संत का प्रवचन सुनिए, उसमें कोई ना कोई शेर ज़रूर मिलेगा। कोई डिबेट सुनिए कुछ, बिना शेर व शायरी के तो दुनिया की कोई बात पूरी नहीं होती। तो गज़ल का की खासियत है कि उसमें बहुत सारे शेर होते हैं और ये दुनिया की ऐसी फॉर्मेट है, ऐसा फॉर्मेट है और कहीं ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आप एक शेर में कोई प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, एक शेर में आप सोसाइटी की बात करते हैं, एक शेर में पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एक में स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं। तो गज़ल बहुत पॉपुलर है, बेतहाशा पॉपुलर है। जितनी आप लिटरेरी मैगजीन्स देखोगे उसमें गज़ल गज़ल भरी पड़ी होगी। जो आप कभी सम्मेलन सुनोगे तो गज़लें सुनने को मिलेंगी, मुशायरों में तो मिलेंगी मिलेंगी, तो ऐसा नहीं। और गज़ल जो है ना, जितने गज़ल के आर्टिस्ट हैं वो दुनिया भर में परफॉर्म करते हैं, आज भी कर रहे हैं, थोड़ा चलता रहता है। एक ज़माना जब गज़ल बहुत, जगजीत सिंह साहब तो लोग आते हैं, कभी सचिन, क्रिकेट में कभी सचिन तेंदुलकर भी होते हैं और कभी वो, तो ये सब क्रम चलता रहता है। गज़ल बहुत पॉपुलर है। सर, ऐसा कहते हैं कि जो गज़लकार होते हैं उनके दिल में सिर्फ मोहब्बत होती है, क्योंकि चाहे हम मेहंदी हसन जी को देख लें, गुलाम अली को देख लें, उन्होंने दायरे में रहते हुए भी, पाकिस्तान में रहते हुए भी दिलों से सबको जोड़ कर रखा हुआ है, तो क्या ऐसा सच है? बिल्कुल सच है। आज की तारीख तक, अब तक देखिए, अरबी में गज़ल है, फारसी में गज़ल है, फिर उर्दू में गज़ल आई, फिर हिंदी में आई, और हिंदी क्या आज पूरे भारत की जितनी भाषाएं सब में गज़ल है, मराठी, सिंधी, पंजाबी, जहाँ जहाँ भी सारे, और जो डायलेक्ट्स हैं उनमें भी गज़ल है। और आज लाखों गज़लें लिखी जा चुकी हैं, लाखों। अभी तक शेर मतलब दो लाइनें होती हैं, अभी तक किसी ने ऐसा शेर नहीं लिखा और ना भगवान करे लिखे कि जिसमें कहीं नफरत की बात हो। वहाँ मोहब्बत की बात होगी, इंसानियत की बात होगी, प्रेम की बात होगी, सद्भावना की, भाईचारे की, यही बात होती है। आपके कोई फेवरेट गज़लकार, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैंने दो चीज़ें हैं, देखो, एक तो वो गज़ल, आप जिनका नाम ले तो गज़ल गायक हैं, मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, और हम तो शायर हैं, मतलब हमारी चीज़ें लोग गाते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारी भी गाई हैं। उनके नाम बताएं। तो वो उसमें देखिए, अभी उसमें हमारे ये एक शकील अहमद साहब हैं, इतने सारे लंबी लिस्ट है हमारे, एक वो अब उनकी डेथ हो गई, पूरी दुनिया में मेरी गज़ल गा के आए, वो अलग अलग कंसर्ट्स में जाते थे, दिल्ली के ही थे तो वो थे, कुछ बॉम्बे में हैं, कुछ कहीं हैं, वो हमारे केएस कमल हैं मुंबई में, उन्होंने अभी कंसर्ट की थी 2 महीने पहले, तो हम लोग तो अमेरिका में थे नहीं तो बॉम्बे चले जाते, तो उन्होंने पूरी कंसर्ट की, उन्होंने पूरी जो है ना महफिल की, तो उसमें मेरी गज़लें थीं, और भी यहाँ जो आई थी ममता किरण उनकी गज़लें थीं, और एक दो शायर और भी थे उनकी भी गज़लें थीं। सर, मैंने तो, एक चीज़ सुनी है कि गज़लकार जब गज़ल लिखते हैं तो वो सिर्फ एक किसी कार्य के लिए नहीं लिखते, वो अपनी भावनाओं को उन शब्दों में उतार कर लिखते हैं, तो बहुत सिलेक्टिव होते हैं इस चीज़ को लेकर कि आखिर मेरी गज़ल कौन गाएगा। तो आपने कभी ऐसा कभी सोचा है कि मैं जिसको दे रहा हूँ गाने के लिए वो कौन है, कैसे गाएगा? नहीं, मैं इसलिए नहीं लिखता कि मेरी गज़ल कोई गाए, वो तो लोग गाए, को किसी को पसंद आ जाती है, वो कहते हैं कि मैं गा लूँ तो मैं गा लीजिए, इससे अच्छी बात क्या है। तो ऐसा नहीं कि हम कोई, हम तो अपनी पोइट्री लिखते हैं, उसको पोइट्री का एक फॉर्मेट गज़ल है, गीत है, तमाम सारे हैं, वो भी है, कभी सम्मेलन में जाते हैं तो वो अलग अलग चीज़ें सुनाते हैं। गज़ल मेरी मेन फॉर्मेट है, ये बात सच है कि मेरा मेन पोइट्री फॉर्मेट गज़ल है जो मैं, और उसमें ये कि हम तो अपनी बात कहना चाहते हैं गज़ल के ज़रिए से, जिनको पसंद है वो गायकों को पसंद आती है वो गाते हैं। अब कोई किस्मत ऐसे होता, हर गज़ल जो है वो मेरी एक बिटिया है, मानस पुत्री है, ठीक है, मेरी एक गज़ल है, फूल कागज़ के हो गए जब से, खुशबुएँ दर बदर हुई तब से। अब ये गज़ल ऐसी है कि इसको बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो मतलब जैसे दिल्ली घराना जो है उसके जो सबसे बड़े वो थे, उन्होंने उसकी धुन बनाई,
अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, जिनको पद्मश्री मिली अभी दो एक साल पहले मिली, उन्होंने उसका कंपोजिशन बनाया। जो हमारे महेंद्र सरीन साहब, अभी उनकी डेथ हुई, जिनके गाने महेंद्र कपूर, जाने बड़े बड़े सिंगर सुरेश वाडकर सब ने गाए, बहुत बड़े, अब उन्होंने उसकी धुन बनाई। तो ऐसे कोई 5-6 लोगों ने उस गज़ल की धुन बनाई। अब वो गज़ल डिपेंड करता है कि कोई गज़ल ऐसा होता है उसके हर शेर इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि वो लोग उसको गाना पसंद करते हैं। फेवरेट गज़ल के दो लाइन्स सब सुनना चाहेंगे। अच्छा, उसमें तो हाँ शेर होते हैं, जैसे एक मेरी गज़ल है कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। उसमें एक शेर आता है याद, अब देखिए फ़र्क ये है कि हिंदी में गज़ल आई, तो जब किसी दूसरी भाषा में कोई फॉर्मेट आता है तो वो हिंदी उसी भाषा में से कुछ लेती है, कुछ बदलाव आ ही जाते हैं ना। अब क्षमा पे, क्षमा मतलब उस पर बहुत शेर हैं उर्दू में, सैकड़ों शेर आपको मिलेंगे। मैंने जो बात कही बिल्कुल अलग तरीके से कही, तो उसमें एक शेर आता है बहुत कोट किया जाता है कि याद बरबस आ गई माँ, मैंने देखा जब कभी, याद बरबस बरबस मतलब अचानक, यू कांट, आप रोक नहीं सकते, याद बरबस आ गई माँ, मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। बेहद खूबसूरत है सर। आपने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है, आपको क्या लगता है कि जिस वक्त आप वहाँ पर थे और अभी जो ऑल इंडिया रेडियो है, क्या बदलाव आए? ये सवाल ठीक नहीं रहेगा तो, लेकिन हाँ मतलब बहुत पूरा जो है जिंदगी में, मतलब मैंने उसको नौकरी की तरह नहीं लिया, ठीक है, तो कम से कम 100 के करीबन सक्सेस स्टोरीज मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें कुछ मतलब जहाँ मैं रहा, कुछ उसमें नेशनल लेवल की हैं, कुछ स्टेट लेवल की हैं, कुछ लोकल लेवल की हैं। मसलन अगर आज पूरे भारत में ट्रेन में 2 की जगह 4 जनरल डिब्बे लग रहे हैं, वो मेरे प्रोग्राम की वजह से लग रहे हैं। मैंने एंकर किया था, रेल मंत्री नीतीश कुमार थे तब। तो ऐसे सैकड़ों चीज़ें हैं, मतलब अब जैसे मैं किसी जगह पोस्टेड रहा, बीकानेर में अगर रहा, अब वहाँ मैंने उस तरह के प्रोग्राम किए तो वहाँ पे मुझे मालूम कि मेरे मेज पर चाय पीते पीते एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक वहाँ के बहुत डायरेक्टर इंडस्ट्रीज थे वगैरह, ऐसे 4 दिग्गज वहाँ बैठे थे, तो मैंने डिस्कशन के लिए बुलाया था और उन्हें आपस में बात हुई। आज वहाँ से एक प्रोडक्ट बना, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना नहीं चाहिए, आज वो पूरे भारत में वो प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी शुरुआत मेरे मेज पर बैठ के हुई थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कानून, जैसे बच्चों की प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेकर कोई कानून ही नहीं था, वो मेरा ही प्रोग्राम था, उसका नाम था उड़ने दो परिंदों को, छोटे बच्चों को लेके, जो कहीं भी स्कूल खोल लिया, गराज में खोल लिया, के लिए अब बच्चों के और 50-50 बच्चे बिठा लिए, अब वो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़, पान मसाला को लेके भारत में कोई कानून था ही नहीं, किसी ने सोचे नहीं पान मसाला नई चीज़ है, उस पर फिर हमारे प्रोग्राम की वजह से, मतलब नेशनल चैनल, नॉट वाजपेयी जी, नेशनल चैनल के प्रोग्राम की वजह से उस पर कानून बना भारत में। तो ऐसे मतलब सैकड़ों चीज़ें, तो अगर आप उस तरह से करते हैं, मतलब एक मिशन मोड में कोई काम करते हैं, तो बहुत बदलाव आते हैं और बहुत अच्छा तो उस जमाने का। तो अभी का मैं क्या कहूँ, मैं तो मेरे अब उससे बाहर हूँ, इसलिए मेरे कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। आकाशवाणी को एक सामाजिक बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल किया, हमेशा सकते हैं, हमेशा बड़ी कामयाबी के साथ। तो कोई मतलब मैं ही नहीं, मतलब जो भी वो क्योंकि वो नौकरी वाला काम है ही नहीं, वो एक मिशन है। मेरे 35 साल मैंने आकाशवाणी में काम किया, सिवाय माता पिता की मौत के और 1-2 कोई अपवाद, मैंने पूरे 35 साल कभी कोई छुट्टी नहीं ली, मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी कभी कोई छुट्टी लेने की। तो बस वो है कि अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो फिर उसका मजा कुछ दूसरा ही होता है। जो छात्र यहाँ पर सर जर्नलिज्म के भी छात्र हैं, रेडियो के भी छात्र हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, जो ऑल इंडिया रेडियो में जाना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे? अभी ऑल इंडिया रेडियो में देखिए, पहले तो अब वही है, मेरे जो आप बदलाव पूछ रहे हैं, मेरे ज़माने में तो कम से कम नहीं तो 1 दर्जन से ज़्यादा मतलब ऑडिशंस होते थे, है ना, जैसे FM गोल्ड के लिए अलग, FM रेनबो के लिए अलग, इन प्लस चैनल के लिए अलग, दिल्ली और युववाणी के लिए अलग, और क्या कहते हैं आपका महिला कार्यक्रम के लिए अलग, ग्रामीण कार्यक्रम के लिए अलग, बच्चों के कार्यक्रम के लिए अलग, तो दर्जनों मतलब थे, और वो चलते ही रहते थे, नए नए टैलेंट आता रहता था, उसी टैलेंट से जो लोग आज चैनलों पर जो लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी ऊँचे पदों पर बैठे हैं, वो सब हमारे यहाँ से निकले हुए ज़्यादातर, मैं नाम नहीं लूँगा,
तो लेकिन अगर नाम लेना चाहे तो पहला कार्यक्रम अभिसार शर्मा ने मेरे साथ किया था। तो ऐसे बहुत है, मतलब जो दिग्गज बन के बैठे हैं आज मीडिया जगत में, तो एक वो था। अभी क्या नीति बनी है, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि जब भी रास्ता मिले, जब भी वैकेंसी मिले, तो आकाशवाणी में कोई बहुत ज़्यादा नहीं, ग्रेजुएशन चाहिए और अच्छी आवाज़ चाहिए, अच्छा उच्चारण चाहिए और मॉड्यूलेशन, बोलने का जो लहजा है, कैसे उतार चढ़ाव जो होता है, जो इफेक्टिव जैसे बने, क्योंकि अलग अलग जैसे आप क्रिकेट की आप कमेंट्री करेंगे तो फिर आप बड़े जोश के साथ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी की अंतिम यात्रा में कोई VVIP की मौत तो हुई, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, तो वहाँ आपकी आवाज़ बड़ी सोबर होगी, बड़ा आपका बड़ा शोक वाला लहजा होगा। तो वही है कि आपकी अपनी आवाज़ को कैसे उस कार्यक्रम के, और इसी की ज़रूरत वहाँ भी सब जगह, आप थिएटर करोगे तो भी यही चाहिए आपको, उसमें सिर्फ थोड़ा लाउड होना पड़ेगा, आप TV पे करें चाहे जो भी करें, सीरियल बनाए तब भी वही रिक्वायरमेंट, तो वही है बेसिक, है ना। तो वही वाली बात है कि जिसको शौक है, जिसको रुचि है, उसको ज़रूर रेडियो में जाना चाहिए, आवाज़ की दुनिया का एक अलग एक जादू है। तो है जी सर, लिटरेरी फेस्टिवल का पार्ट बन के आपको कैसा लग रहा है? हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि ये मेला है और जो मेले हमेशा अच्छे गाँव, हाँ मैं पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे उसमें जाता हूँ, और एक वैली ऑफ बर्ड्स देहरादून का फेस्टिवल है जिसमें मैं वो सारा उसके साथ जुड़ा भी हूँ। तो ये होता है कि एक जैसे बड़ी बड़ी सारे लिखने वाले हिंदुस्तान भर के वो एक जगह, और बाहर से भी, बाहर के जो दूसरे देशों में लिख रहे हैं लोग, जैसे साहित्य अकेडमी का हुआ था इस बार, अभी मैं अमेरिका में था तो भोपाल वाले में नहीं जा पाया, और लेकिन उससे पहले शिमला गया तो 500 लोग आए थे पूरे दुनिया भर से, भारत से, तो इतना मेलजोल हो जाता आपस का, इतनी इस तरह के विषय आ जाते हैं, इतना तरह के लोग, मतलब अलग अलग सेशन चलते हैं, तो उसमें एक विचार विमर्श होता है, कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक इस फेस्टिवल की बात है, इससे मैं जब पहला हुआ था तब भी मैं आया था और इससे जुड़ा हुआ हूँ। इसकी जैसे मैंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है, जो बहुत अच्छा है हिंदुस्तान के लिए, बहुत अच्छा है कि इसके सुनने वाले जो है 99% युवा है, तो युवा तक जो है लिटरेचर को पहुंचाना या उन बातों को पहुंचाना, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बाकी जगह चलो फेस्टिवल्स में आए, पब्लिक आई और वो उसके बाद कुछ ने पसंद किया, कुछ को अच्छा लगा, लेकिन उनके वो बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके सीखने के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, लेकिन यहाँ तो वो सब युवा हैं जो आगे चल के आपकी वो मशाल लेके और झंडा लेके आगे जाने वाले हैं ज़िंदगी में, और बहुत अलग अलग। तो अगर उस लेवल पर आ करके आपको बहुत सारे हिंदुस्तान की जो चीज़ें हैं, जो कल्चर है, जो लिटरेचर है, जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उनसे अगर आप वाकिफ़ हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इन कुछ चंद पलों में आपके व्यक्तित्व से और आपके तजुर्बे से हमने बहुत कुछ सीख लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी एडमायर योर प्रेजेंस। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट अमन कुमार के साथ कृष्ण प्रिया, F24/7। थैंक यू।